विश्व पर्यावरण दिवस पर चंबा के विभिन्न स्थानों में कांग्रेस सेवा दल द्वारा पौधारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान कांग्रेस सेवा दल कार्यकर्ताओं द्वारा लोगों को पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूक भी किया गया। इस दौरान संस्था द्वारा चंबा के गांव ककिया लुड्डू कुम्हारका में पौधारोपण किया गया। इस दौरान कांग्रेस सेवा दल ब्लॉक अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह राजू ने कहा कि आज हर स्थान पर प्रदूषण बढ़ रहा है, अतः हम सभी को पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूक रहने की जरूरत है, जिसके तहत कांग्रेस सेवा दल द्वारा पौधारोपण किया गया है। आज विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर कांग्रेस पार्टी ने, कांग्रेस सेवा दल ने साथ में मिलकर एक पौधारोपण किया और ये पौधारोपण तीन जगह में मनाया गया। कांग्रेस पार्टी और सेवा दल ने मिलकर गांव ककिया में, गांव लुड्डू में और गांव कुम्हारका में, और मैं सभी को, जिला वासियों को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। इस पर्यावरण दिवस के मौके पर जो ये पर्यावरण है, पौधारोपण है, इसके साथ स्वच्छ हवा और वातावरण शुद्ध रहता है, और शुद्ध रहने से आदमी जो सांस लेता है उसको अच्छी सांस मिलती है, और इसमें प्रदूषण फैलने की जो प्रक्रिया वो नहीं होती। आप ज़्यादा से ज़्यादा पौधारोपण करेंगे तो प्रदूषण फैलने का कोई भी मतलब नहीं होगा, और मैं सभी से ये गुजारिश करता हूँ कि अपने अपने क्षेत्र में आप पौधारोपण जरूर कीजिए, ताकि ये जो हमारा प्राकृति है वो जिंदा रहे। और मैं ज़्यादा ना कहता हुआ आज पूरे चंबा वासियों को अपनी कांग्रेस सेवा दल की ओर से हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ, और मैं सभी कांग्रेस पार्टी के जो पदाधिकारी है, चाहे वो सदस्य हैं, उनसे अपील करता हूँ कि आप अपने क्षेत्र में पौधारोपण जरूर कीजिए, ताकि ये प्राकृतिक जिंदा रहे और जो ये प्रदूषण जो है वो कम रहे, और सांस लेने में हर आदमी को अच्छा रहे। जो कठिनाई सांस लेने में आजकल आ रही है, जैसे कोरोना काल चला हुआ है, इसमें जितने ज़्यादा पौधे होंगे उतना ज़्यादा ये कोरोना आदमी को नहीं फैलेगा, क्योंकि उसमें ऑक्सीजन, जितनी मात्रा में ऑक्सीजन होती है पौधे में, उतना हर आदमी को उसका लाभ मिलता है। धन्यवाद। हिमाचल प्रदेश और चंबा जिला से जुड़ी विभिन्न जानकारियों को जानने के लिए देखते रहिए चंबा हलचल का YouTube चैनल और Facebook पेज। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और Facebook पेज और वीडियो को जरूर लाइक करें। धन्यवाद। देखते रहिए चंबा हलचल।